ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। इस फिल्म के पात्र, घटनाएं तथा कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जात, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और यदि हैं तो वो काल्पनिक है। को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? जी वहां खामोश खड़े किन सियासी आंकड़ों की जुगाड़ फिट कर रहे हो? जंग, एक सियासी दावपेच यह भी होता है कि बिल्ली के कदमों से जाकर शेर की गुफा से गोश्त उठा कर लाए। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रही है। देखो नेताजी, अपन है मोटी खोपड़ी के जाहिल आदमी। ये आड़ी तिरछी बातें अपने बल्ले में नहीं पड़ती। जब तक हमारे भेजे में बात गोली की तरह ना घुसे, तब तक हमारे तमंचे से गोली नहीं निकलती। आप तो ये बताओ कि खून किसका करना है? सुधाकर पंडित। अबे कौन है बे? मेरे घर को चिड़िया वाला बाग बना रिया है। आ रिया हूँ भाई। अरे हम जैसे गैर सरकारी आदमी को
अरे किस बात की तोपों की सलामी दे रहे हो भैया? कौन हो आप लोग? अरे आप तो उजाले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। अरे कौन हो बड़े भैया? देवा जी आप? अरे लुचे पैर छू। हाँ, पाए लगे भैया। देवा नाम का सूरज सामने आ गया तो आंखें चुंदिया गईं। तभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज जब करीब आने लगे तो आसार पूरे होते हैं बुजंग। बड़े भैया कोई गलती हो तो माफ कर देना। ये बल्ब तोड़कर आप अंधेरा क्यों कर रहे हो? बरसों पहले एक अंधेरी रात की याद दिलाने के लिए जो इससे भी ज्यादा काली थी। उस रात ऐसे ही तुम भी थे, मैं भी था। एक हत्या की साजिश बने हुए थे हम दोनों। प्रशांत कापरे। मंडी को तोड़ने की साजिश है। मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल हम मजदूरों की है दोस्तों। भाइयों झगड़ा मत कीजिए। याद आया? वो यूनियन लीडर, वो तो 15-20 साल पुरानी बात हो गई। मेरे लिए उतना ही नया है जितना कि आने वाले कल का अखबार। भुजंग, मुझे उस आदमी का नाम और पता चाहिए जिसने उस यूनियन लीडर का मुझसे कत्ल करवाया था। जिसने आपको प्रशांत कापरे को मारने के लिए सुपारी दी थी ना, उसी ने मुझे मीटिंग में भगदड़ मचाने के लिए भाड़े पर उठाया था। इसके आगे मुझे भंडारी ने कुछ नहीं बताया, आपकी कसम। अगर वाकई तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो यहां उजाला रहेगा बुजान। अगर कुछ छिपा रहे हो तो यही उजाला तुम्हारे घर को निकल जाएगा और उसे चिता में तुम अपने आदमियों समेत झोंक दिए जाओगे। तक के बच्चे को तैरना सिखा रही है? अबे चुप। कौन था? देवा। देवा? यहां क्या करने आया था? प्रशांत काबरे के कातिल को ढूंढ रहा है। नहीं नहीं, मैंने आपका नाम नहीं बताया। ए, ये भंडारी की जबान है, एक बार बोल दिया ना तेरा काम हो जाएगा, फिर काय को बड़बड़ कर रहा है? बोला ना तेरा सामान पहुंच जाएगा। कौन हो तुम लोग? ओह, देवेंद्र तुम? देवेंद्र नहीं, देवा। उस मजबूर देवेंद्र की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस शहर की सड़कों पर रेंगता हुआ वो तुम्हारे पास आया था। आज उन्हीं सड़कों को रौंदता हुआ देवा आया है तुम्हारे पास। जानता हूं देवा कि तुम गुनाह के सर के ताज हो गए हो। आज एक बच्चे को शहर के गवर्नर का नाम शायद ना मालूम हो, लेकिन देवा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन एक नाम आज मैं तुमसे पूछने आया हूं। किसका? तुम्हारे जरिए किस आदमी ने मुझसे प्रशांत कापरे का खून करवाया था?
अभी तक जिंदा हो भंडारी, फिर मौत से खामोशी क्यों? उसका नाम बताओ वरना जिंदगी भर के लिए बेनाम कर दिए जाओगे। नाम ही क्यों, उसका पता, उसका फोटो सब दिखाता हूं। इस गलती की माफी दे दी जाएगी अगर तूने उस आदमी का नाम बता दिया। चल बता। देवाजी, प्रशांत कापरे की हत्या के षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, लेकिन साजिश एक आदमी की थी, उसका नाम है। ऐसा भी मोहताज नहीं कि तुम जैसे गीदड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। जिंदगी गुंगा बनकर ना गुजारनी हो, फिलहाल अंधे बने रहो। किसने किया? जी मैंने किया। गोली किसने मारी? जो आधी से टकराता है, जो तूफान बन के आता है, जुर्म को खुद ही अपना कर दुनिया से जुल्म मिटाता है। जिसने बनाया अपना जहां, जो खुद है कानून यहां, जिसने बनाया अपना जहां, जो खुद है कानून यहां, हर दिल पर करता है राज, जो एक राजा है बेताज। कमजोरों की है वो ताकत, बोलो वो है कौन?
मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है। एक मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है। वो दिल से दिल जोड़ेगा, दुनिया का रुख मोड़ेगा। कांटे चुन कर फूल बिछाए, बोलो वो है कौन? डॉन, द डॉन, डॉन, द डॉन। कहिए सर जी, इतनी दूर इस वीराने में मिलने का मतलब? देवाजी, एक आदमी मेरी फैक्ट्री और कारोबार में अड़चन पैदा कर रहा है। क्या नाम है? शेखर। क्या करता है? मेरी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर है। मेरी पिस्तौल में एक अदालत बैठती है सेठ साहब, कारतूस को सिर्फ गुनहगार की तरफ जाने की इजाजत है। ये पैसा हमने कबूल किया ये मानकर कि फैक्ट्री के मजदूरों ने तुम्हारी सुपारी दी है। क्या? सर, आपने मुझे बुलाया? चार साल से इस आदमी की तलाश कर रहे हो, लेकिन आज तक एक भी सुराग तुम्हारे हाथ नहीं लगा। 18 साल पहले जब इसे देखा था तो यह कुछ ऐसा दिखता था। उम्र के तकाजे से शायद इसके हुलिये में फर्क आ गया हो, नाक पर चश्मा चढ़ गया हो, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। दाढ़ी मूछ बढ़ गई हो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप तो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपके लिए तो इशारा समझना पेशा है। मुझे किसी भी हालत में इस आदमी का पता चाहिए। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह, क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। रेश, वाह वाही तो आपकी शबाब की है मुतरमा। हमारी शायरी तो आपकी शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डाली ना। चलिए, आपने कहा और हमने शेर कह दिया। अभी अभी नया नया टपका है तो सुनाई ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह, क्या शेर है। आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले ही उड़ले हूँ।
कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आतंका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के तीन दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती है तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं। तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरार के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है, चला जाता हूँ। जाओ। अब उस लेक्चरार दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के। ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदना हो गई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज अब बहुत मूड में है। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना चोड़ी, हो जाए। चोड़ी, नहीं, नहीं, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जानम, मनुष्य कपड़े मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? चलाप। मैं कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे जी जी, लाना थे उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं? पता नहीं सर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम ले तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है। हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं। मौका देखिए, ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार विजय, क्या लड़की आई है अपने कॉलेज में? अच्छा, हॉस्टल में रहती है लड़की, क्या है, कयामत है कयामत। उस लड़की के आने से तो ये कॉलेज ताजमहल लगने लगा है। अरे यार ज्यादा तारीफ मत कर, दिल कहीं धड़कना शुरू हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके प्यार का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। अरे विजय भूल जा, एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो जानती है वो खूबसूरत है, बहुत तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। हाँ
कितनी सुरीली सीटी थी। आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इस तबले की आवाज कैसी लगी, सुर में थी? आइंदा अगर मुझे देखकर सीटी बजाई तो जिंदगी भर इस मुंह से बेसुरी आवाजें निकलेंगी, समझे? जाने जाने जाना जाने ना पम 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 प्यार में इसके मैं हूँ पागल, ये दीवानी माने ना पम 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 पम। मौसम है सुहाना जरा बाहों में आना अब और न तड़पाना पम 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 पम। मैं हूँ आशिक दुनिया जाने जाने जाना जाने ना। चपरासी जाओ विजय को बुला के लाओ। और मैं? हाँ तुम।
तुम कहीं के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, यहाँ तेरे को वो हिटलर बुला रहे ना। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेडमास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजाराम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज का। हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है और मैं तुमसे पूछता हूँ आजकल कॉलेज में क्या हो रहा है। तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जब वो जूलियट बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले माँ से जो दिल लगाते फिर रहे। राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम तीन भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहां की कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम दो भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। मैं आई कमेंट सर। सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों पे कम, चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी, कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, बंद कर देते हैं इसको, वो डांसिंग स्कूल बना दे। विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। I'm sorry सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। This is the last warning. इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। बिहेव योरसेल्फ, आउट। सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? जी तुम कौन है विजय? पम 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 पम। मैं दीवानी दुनिया जाने लेकिन ये तो जाने ना। पम 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 पम। प्यार में इसके मैं ही पागल, जग माने ये माने ना। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग? माँ जी, मेरा नाम अनीता है और ये सब मेरी सहेलियां हैं। हम लोग विजय के कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल वो विजय 15 दिन से कॉलेज नहीं आया ना, इसलिए। क्या बकवास कर रही हो अनीता? डरो नहीं विजय, माँ तो सारी गलतियां माफ कर देती है। उस लड़की ने भी तुम्हें माफ कर दिया। लड़की? कौन लड़की रे? इसे डांटिएगा नहीं माँ जी। दरअसल इसने एक लड़की को छेड़ दिया था, उसे प्रिंसिपल को शिकायत करने की धमकी दी तो ये डर गया, शायद इसीलिए कॉलेज नहीं आता। क्यों विजय? घबराओ नहीं विजय, अब तुम बेधड़क कॉलेज आना, मैंने उसे समझा दिया है, उसने शिकायत नहीं की। तो तू कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं, आवारा गर्दी करने के लिए जाता है। माँ ये झूठ। अरे आवारा से याद आया, वो तुम्हारा आवारा लुक्का दोस्त तुमसे मिलने आया था। कौन आवारा लुक्का दोस्त? अरे वही जिसके साथ मिलकर तुम नकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाते हो। क्या नकली मार्कशीट? हाँ माँ जी, ये लड़के पढ़ते लिखते तो है नहीं, नकली सर्टिफिकेट दिखाकर घर वालों को खुश कर देते हैं। अब हम चलते हैं। विजय, कल कॉलेज जरूर आना। हाँ, वो क्या है कि तुम्हारी मस्ती के बिना कॉलेज बहुत सुना सुना लगता है। बाय। तो तेरी सारी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स नकली है? नहीं माँ, वो लड़कियाँ मजाक कर रही थी। कॉलेज से हम मजाक करने आई थी?
अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, आज मैं वो तमाम सर्टिफिकेट जला देती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो, इन मुसीबतों से मैं एक एक पैसा जमा करके पढ़ा रही हूँ ताकि ये भविष्य में कुछ बन जाए, लेकिन इसे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। कॉलेज में का हमें इंतजार रहेगा। कुछ पता चला? सर आपने जो हुलिया बताया था ठीक वैसा ही एक आदमी मिनिस्टर परशुराम का छोटा भाई प्रजापति है, जो करीब 16 साल पहले अमेरिका जाकर बस गया था। देश बदलने से मौत की तारीख नहीं बदलती। अमेरिका में उसका कुछ पता चला? सर पता लगाया जा सकता है, लेकिन शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े क्योंकि वो खुद वापस इस शहर में आ रहा है। नसीब है, परदेश में मरता तो उसकी लाश को कोई गाड़ देता या फूंक देता, यहां उसका अंत भले ही बुरा क्यों ना हो लेकिन उसका अंतिम संस्कार कोई संगा पर आया करेगा। इस शहर की जमीन पर कदम रखते ही उसके कदमों की आहट मेरे कानों तक पहुंच जानी चाहिए। अरे आइए भुजंग जी, आइए तशरीफ रखिए। फरमाइए कैसे आना हुआ? तुम्हारे कॉलेज में 5 सीटें चाहिए हेडमास्टर, 1 मेरे लौंडे के लिए और बाकी 4 उसके दोस्तों के लिए। दाखले तो कब के बंद हो चुके, 4 महीने हो गए, कहां जून का महीना कहां ये सितंबर। नहीं सर नहीं हो सकता। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रही है? तेरे सितंबर के महीने को पलटा कर जून का महीना बना देता हूं। या तो 5 सीटें दे या 6 की 6 गोलियां सीने में ले। क्यों बे बहरा है क्या, सुनता नहीं? खड़ा। अरे खड़ा क्या है? अरे निकाल। तुम कहाँ चले? तुम्हारी तो क्लास लेने में आया था। ये मोहब्बत का पाठ हम दोनों को साथ साथ तो पढ़ना है। मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुमने कॉलेज चेंज कर दिया, लेकिन देखो तुम्हारे पीछे पीछे मैं आता गया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूं। और एक बात गौर से सुन लो छमिया, अगर मेरे अलावा किसी और से तुमने दिल लगाया तो मार दी जाओगी। आउट। छुप छुप के प्यार करना प्यार की तोहीन है। मैं तो तुमसे खुल्ला खुल्ला प्यार करती हूँ मेरे राजा। अरे बंद कर तेरा बैंड बाजा, तू पागल है क्या? फ्रैक्चर करेगी मेरा, तेरी हर साला घूम के मेरी तरफ क्यों आती है? चल यहाँ से। तेरे सीने में दिल नहीं है तो उस दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। मेरे दिल में तेरे लिए जगह? इतना सा दिल है उसमें इतनी बड़ी जगह कहाँ से लाऊं? जुए के बिल में हाथी पालूंगा क्या? इस फरमाया जा रहा है चपरासी राजा राम, जहां कहीं भी हो प्रिंसिपल की ऑफिस में हाजिर हो तत्काल। अच्छा झांक के देख लिया? हीरे को मैंने 50 मरता बोला है, मधुमक्खी की तरह मेरे चारों तरफ मत मंडलाया कर, ये देख के डंक मारता है। आ रहा हो प्रिंसिपल, मर मत, तेरे को लज्जा नहीं है? है। नजर नीचे कर, किया। शर्म कर, जरा घूम जा। घूम गई, अब क्या करूं राजा? बोल काय को बुलाया मेरे को? बोला प्रिंसिपल हूँ, चपरासियों को कभी भी बुला सकता हूँ, तेरी खास टाइमिंग है मेरे को बुलाने की। सब समझता हूँ शने, खैर जाने दे, काम बोल।
सुजा जाकर देख कर आ डाकघर खुला है या नहीं। हुक्म देने से पहले अपने दिमाग की खिड़की और आंख के ढक्कन खोल के देख लिया कर। आज जब यह कॉलेज खुला है तो डाकघर काय को बंद होएगा। तू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, दिमाग चलाना मेरा काम है। तू जाकर देख कर आ डाकघर खुला है या नहीं, कुछ लेटर पोस्ट करने हैं। और जल्दी जल्दी हाथ पैर चला। जिस दिन हाथ पैर चलाऊंगा ना तो तू इतिहास हो जाएगा। क्या चला बटेर ला, मेरा मतलब है लेटर ला, खुलाएगा तो पोस्ट कर दूंगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया कर। देख कर आ, खुला है तो वापिस आ, लेटर ले, वापिस डाक घर जा और लेटर पोस्ट करके वापिस आ। रघुपति तूने जन्म में बहुत छका है मेरे को। अबे तो खिंचवा कर लाना था ना मेरी तकदीर अपनी हथेली पे। अभी जो है वो निभा, समझ गया? तत्काल तो जाता है ना कुर्सी की धोंदी खारे लाए। साले सब मुझे छोड़कर ऐश कर रहे हैं, अब ये राजा राम उस मोटी को साथ ले जाए। क्या करती आर पार निकल जाती थी यार। अरे आर पार को छोड़, आज तो तूने मुझे लूट ही लिया। क्या बात है राजा, आज तू मुझे करके पुकार रहा है? ऐसी मेरा मन किया बस। Are you so cute? You're looking so cute. प्रिंसिपल साहब का मार के लाया है ना? ये मिस्टेक कैसे हो गई यार? क्या बोला? नहीं नहीं मैंने इसलिए नहीं पहनी, वो खाकी मर्दी के उसमें मोहब्बत का मूड नहीं बनता था। हाँ। ये पहनती ना तबीयत एकदम रंगीन हो गई। तो मुझे भी रंग देना राजा। नहीं नहीं, 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 नहीं यहाँ नहीं। यहाँ नहीं, मैं जिस रंग में तुझे रंग देना चाहता हूँ। हाँ? उसके लिए जगह बहुत कम कम है। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ। हाँ? जहाँ तू हो। हाँ? मैं हूँ। हाँ? और वो खाकी वर्दी वाला न हो। खाकी वर्दी वाला? मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि खाकी वर्दी की याद न आए। तो चले चलो, हाथ में हाथ। हाथ तू फिर मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई। तेरे चक्कर मेरे को पकड़ में पोस्ट ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा। चल बजट। अरे रे, अभी तो तू यहाँ था, अब तू वहाँ से आ रहा है, कैसे? कहीं तू जादूगर तो नहीं? तू एक काम करिए, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके पूछ के मैं कौन हूँ वो तेरे को बताएगा। मैं चपरासी हूँ। देख राजा, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे अभी तो तू सूट पहनकर प्यार की बातें करते हुए मुझे बाहर घुमाने ले जा रहा था और अब तू सामने से आ रहा है। सूट पहन के? हाँ। मैं? हाँ। ओ मैम साहब, जब भी मैं पैदा हुआ था ना तो इतना सा था, नंगा। नर्स ने जो पहला कपड़ा मेरे ऊपर डाला वो खाकी कलर का था। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, कपड़ा भी बड़ा होता गया, बाद में ऐसी वर्दी बन गया। मैंने मेरे बाप जन्म में कभी सूट नहीं पहना, समझ गई? हाय। लो अनीता, मैं कॉलेज आ गया। तुमने उस लड़की को तो मना लिया था ना जिससे मैंने छेड़छाड़ की थी? अब थोड़ी सी छेड़छाड़ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहोगी। विजय, वो तो मजाक था। एक्सक्यूज मी। अब एक महंगा सा मजाक मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, फिर तुम्हें मजाक का मतलब समझ में आ जाएगा। देखो देखो विजय, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। मैं ऐसी वैसी ही हरकत करूंगा। देखो विजय, हाथ में लगाना, हाथ में लगाना मुझे। जा, माफ किया। अरे वाह, क्या सीन है यार। वाह, क्या पब्लिसिटी स्टाइल है। ये देख देख, प्यार करने की क्या स्टाइल है। अनीता,
तुम्हारे बेटे क्या लगा हुआ है? तुमसे मतलब? मतलब है, बात मतलब है। विजय कौन है? विजय? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। ये विजय, ये विजय, ये कौन है? ये मैं हूं। ये तूने लिख के चिपकाया इसकी पीठ पर? हाँ। तूने लिखा है ये? हाँ। तूने लिखा है ये? तुम लोग इधर पढ़ाई करने आते हो, दादागिरी करने आते हो? चल रिलैक्स रिलैक्स। तो मेरे खून का रंग ऐसा है, आज तक मैंने अपना खून बहते हुए नहीं देखा था। उस बस्ती के लौंडे ने मुझे मेरा खून दिखा दिया। अब जो मैं उसे दिखाऊंगा, सारी जिंदगी उसकी लिस्ट बनाता फिरेगा वो। दीदार हो गया वो, जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया वो, जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया।
मेरी माशूक है खफा मुझसे, माफ कर दो हुई खता मुझसे, कब तलक रूठी रहोगी हमसे, मान जाओ है इल्तिजा तुमसे, बिन आपके जीना मेरा दुश्वार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया। ये कौन सा तेरी खानदान का बतख के बच्चे को तैरना सिखा रही है? तेरे कॉलेज में एक विजय नाम का लौंडा है ना, कल के कल उसे कॉलेज से निकाल देना। क्यों निकाल दूं? तुम हुक्म देने वाले होते कौन हो? एजुकेशन मिनिस्टर हो, उसके जवाई हो, ससुर हो। अरे वाह, एक बार कॉलेज में 5 सीट क्या दे दी, कॉलेज को अपनी ज्यादा समझ बैठे तुम। ज्यादा बकबक करना तेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कल से अगर वो लौंडा कॉलेज में दिखाई दिया तो तू इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप आदमी हैं, हथियार हैं, बात करते हो तो अल्फाज से चाकू की महक आती है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उस गरीब विजय को कॉलेज से निकाल देंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? आप सोचिए, खुद सोचिए। और अगर उसे नहीं निकाला तो तुम तीनों भाइयों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। चले शाने, ये गीदड़ भक्की किसको दिखा रहा है? ऐसी पिस्तौल बाजार में बहुत मिलती है, कलेजा नहीं मिलता है क्या? मेरा कलेजा देखेगा? हाँ दिखा। अरे आहिस्ता आहिस्ता। चले दाड़ी, चुप बैठना साला डरपोक इधर का। अरे इसको समझाइए, ये अब सटिया गया, मार देगा तुम। अरे अरे अरे, अरे। मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, विजय को वापस लो, वापस लो, वापस लो, विजय को वापस लो, वापस लो, वापस लो, विजय को 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 वापस लो, देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा? इनारेबाजी सुन रहे हैं आप? कल का अखबार तो कॉलेज के धज्जियां उड़ा के रख देगा। अब मुझे विजय को लेना पड़ेगा, वरना स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रही है? अरे जहन्नम में जाए आपकी बतख, मैं खुद डूब रही हूँ। रिया हूँ, अच्छे खासे प्रिंसिपल की जबान खराब कर दी आपने सर। करने दो इन लौंडों को ऊंची आवाज का रियाज, मेरे स्कूल के लौंडे आकर अभी इनकी जबान बंद कर देंगे। अरे जाके बिजलों से पूछ, विजय महाराज का क्या? अरे बच्चों के साथ क्या जोर जबरदस्ती करवा रहे हैं आप? इनको रोकिए वरना फसाद हो जाएगा। अरे फसाद कराना ही तो हमारा पेशा है। लेकिन आप सोचिए तो सही, बच्चे मारे जा रहे बाहर। देख बंद हो गई नारेबाजी, सुन रही है बाहर की खामोशी? अरे जिस इलाके में हवा भी हमसे पूछती है कि किस दिशा में जाना है, वहां कोई माई का लाल। बड़े भैया, अच्छा हुआ तुम अपने आप खड़े हो गए। अब ऐसे ही अपने पैरों पर गोल गोल घूमते हुए इस कॉलेज से बाहर निकल जाओ। मेरी तरफ क्या देख रहा है? चल जाए और ले जा अपने बेटे को भी,
मैंने इसे कॉलेज से निकाल दिया है। मतलब का बच्चा मुझे तैरना सिखा रहा था। जो हुकुम बड़े भैया। चल बेटे, बड़े भैया का हुकुम है, मानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा किया, बहुत सही वक्त पर आ गए आप। ये आदमी बंदूक दिखाकर अपनी मनमानी पूरी कर रहा था। प्रिंसिपल साहब, जो बंदूक दिखाते हैं वो बंदूक बहुत कम चलाते हैं। इन बुजदिलों की बंदूक से कहीं ज्यादा लोहा होता है एक आम आदमी के बाजू में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुजदिल हो गया तुम्हें। हेलो। हाँ नेताजी। कौन? भुजंग, बोलो। अब तक तो आप ही बोलते थे और जैसा आप बोलते थे मैं करता जा रहा था। आपका ये भुजंग बड़े काम की चीज है, ये तो आप मानते हैं ना नेताजी? पहलिया क्यों बुझा रहे हो, काम की बात करो। कॉलेज में एक लौंडे का 1-2 का 4 करना है। भुजंग, जानवरों का शिकार करते करते ये तीतर बटेर कब से मारने लगे? लेकिन ये बटेर शेर की पीठ पर बैठा है। शेर? कौन शेर? देवा। देवा? हाँ देवा, जो आजकल खामखा उस कॉलेज के लौंडे की ढाल बना हुआ है। उस लौंडे का खात्मा करना बहुत जरूरी हो गया है। देवा मेरे सारे आदमियों को पहचानता है, इसलिए ये काम किसी ऐसे आदमी के जरिए कराना है जिसका नाम देवा की डायरी में नोट होगा। हाँ समझ गया, आदमी कल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसे काम समझा देना, कल ही तुम्हारा काम हो जाएगा।
डॉक्टर, वहीं बने रहना चाहते हो तो अस्पताल में अभी एक मरीज आ रहा है, उसे अस्पताल में भर्ती मत करना। भर्ती नहीं करना? कौन बोल रहे हैं आप? भुजंग। भुजंग जी आप? क्यों, नाम सुनकर घिग्गी बंद हो गई ना? हमारा हुक्म नहीं माना तो रहेगा उसी अस्पताल में, डॉक्टर बनकर नहीं मरीज बनकर। जी मैं समझ गया। कॉलेज का एक लौंडा है, चाकू का गहरा जख्म लेकर आ रहा है, उसे बाहर से ही भगा देना। अबे समझ रही है ना? जी मैं समझ गया जनाब, उसे भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है। अरे आप कैसी बात करते, इसका नल के माफी खून निकला, इसकी जान बचाओ नहीं तो दम निकल जाएगा इसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम लोग इसे अंदर क्यों ले आए? जब बेड खाली नहीं है तो कहाँ एडमिट करोगे? जाओ इसे एम्बुलेंस तक छोड़ के आओ। किधर भी नहीं जाएगा, इसका इधर ही इलाज होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, इतनी सीरियस हालत में इसे हम कहाँ ले जाएंगे? मैं ये सब बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, कम से कम आप इसे एक बार देख तो लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, आई कांट टच हिम, दिस इज अ पुलिस केस। और जब तक चलना तेरे पुलिस केस को कुछ बोलूंगा अभी, सारा मरीज का इलाज तो करता नहीं है, कायदा कानून से कहता है, तू इसका इलाज करता है कि नहीं? विजय, विजय क्या हुआ मेरे बच्चे को? डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर यहाँ पड़ा रहा तो मर ही जाएगा। अबे तेरी कोई औलाद नहीं है, अरे माँ का दर्द समझता नहीं है तू? चला छोड़। चला डॉक्टर है क्या, जानवर है? चला छोड़। कसाई की औलाद, पत्थर दिल, जानवर। अदगिरी है, इसे कोई नहीं छुएगा, दिस माय ऑर्डर। माँ जी। अरे क्या? माँ जी, माँ जी, माँ जी। डॉक्टर, उस औरत के आंखों से देवा के आंसू बह रहे थे, उस लड़के के जख्मों से देवा का खून बह रहा था। उसे कहीं कुछ हो गया तो सारा खून खींचकर तेरी नसों में इतना बारूद भर दूंगा कि तू जिंदगी भर चलता रहेगा, समझा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, बच्चे को देख लो नहीं तो मर जाएगा। कुछ नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर साहब, अरे अभी तक इस पेशेंट को एडमिट नहीं किया, ये हॉस्पिटल है, बुचर खाना, शर्म की बात है। डॉक्टर, नर्सेज, फौरन आईसीयू में आओ, फॉलो मी, हरी अप, हरी अप। अचानक क्या पलट कैसे हो गई? जानवर गया था, इंसान बाहर निकला, ऐसे कैसे हो गया? ये लोग का बाप आ गया। माँ आंखें खोलो माँ, विजय को एडमिशन मिल गया है, देखो डॉक्टर उसे अंदर ले गए हैं। Thank you.
ये सब हुआ कैसे? तो विजय कॉलेज की तरफ आ रहा था तो सामने से आदमी भागते और एकदम झटके से चाकू मार के भाग गया उधर से। किसी ने उसे देखा? हाँ मैंने देखा। तुमने उसे देखा? हाँ। उसका हुलिया याद है? अरे हजार की भीड़ में पहचान सकता हूँ उसको। रोको। अरे भैया मोटरसाइकिल सवारो, मेरे घर को हाईवे समझकर घुसे चले आ रही हो। रोको भैया इन्हें, रोको। अरे भैया, अबे भजन, रोक। ए, रुक जाओ। अरे रोको। रुको। अबे रुक जाओ खिलाड़ियों। अरे भैया कौन सी टीम के हो तुम लोग? मेरे मकान में ये मोटरसाइकिल की रैली क्यों करवा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना भुजंग, मुझे दोबारा अपने अंधेर घरती के अड्डे पर उछाला करने का मौका मत दो। बड़े भैया भले मेरा घर फूंक दो, मेरे इस मकान को मकबरा बना दो, लेकिन भैया मेरा कसूर तो बताओ। विजय पर हमला। विजय? वो कॉलेज स्टूडेंट? अब भुजंग इतना बड़ा खलीफा नहीं है कि आपकी खिलाफत करवा सके और उस विजय पर हमला करा सके जिस पर आपकी खास मेहरबानी है। बड़े भैया मेरे घर की वो खिड़की जो कॉलेज की दिशा में खुलती है ना, मैंने तो वो भी बंद करवा दिया आपकी कसम। उस हमले का मेरे पास चश्मदीद गवाह है। अपने आदमियों से कहो कि सीधी लाइन बनाकर मेरे सामने खड़े हो जाए। चलो उठो बड़े भैया के सामने लाइन लगाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, लाइन। हाँ राजाराम जी। जी साहब। इनमें से कोई था? नहीं साहब, ये लोग में से कोई भी नहीं थे। अगर विजय पर हमले से तुम्हारा कोई ताल्लुक निकाला है ना भुजंग, तो आज तो फिर भी तुम्हारी मौत आसान होती, क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। घबराइए मत माँ जी, डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी प्लीज धीरज रखिए। हाँ हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। देवा जी अब विजय काफी बेहतर है। थैंक यू, इसे रख लीजिए। इसकी कोई वैसे कब तक इसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? जख्म भी ताजा है, 10-15 दिन के लिए चलना फिरना मुमकिन नहीं है। देवा यहां क्या कर रहा है? ये देवा नहीं है, देवता है। इसके कारण तो तेरी जिंदगी बची है यार। इसकी वजह से? हाँ। नहीं, नहीं कराने मुझे अपना इलाज। कुछ पापों का प्रायश्चित नहीं होता, कुछ गुनाहों की सजा के लिए एक जिंदगी की उम्र कम पड़ती है। डॉक्टर जल्दी उठाओ उसे, उठाओ डॉक्टर, प्लीज आराम से, बहुत आराम से, जख्म गहरा है, प्लीज
देवा जी, मैं राजाराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजाराम। मैं आपको वो आदमी दिखा सकता हूँ जिसने विजय को चाकू मारा था। कहाँ है वो? आपके आसपास कोई टेलीविजन है क्या? हाँ है। जरा चालू करो तो उसको, उसमें मिनिस्टर परशुराम का भाषण है, जरा देखना उसको। हमारी पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दिया? लालच, बदनीयति, डर। आज हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के बिल में घुसकर अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। इतने खुदगर्ज हो गए हैं। वो परशुराम के किस तरफ है? वो मिनिस्टर के सीधे हाथ पे दो कदम पीछे गंजा आदमी खड़ा दिखता आपको? वो बराए दर से ना हमारी आंखों में आंसू आते हैं और ना ही हम हाथ बढ़ाकर दूसरों के आंसू पूछते हैं। आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में तलवार तो है, पर वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। बलिदान या आज आदमी अपनी हर जंग में अकेला हो गया है। मुल्क की ताकत उतने ही हिस्सों में बढ़ गई है जितनी देश की आबादी है। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आकर हमारी हस्ती पर कब्जा कर सकता है। मुजरिमों के खिलाफ खड़ा होने के बजाय उन्हें देखकर हमारे पैर कांपने लगते हैं। यही वजह है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, सड़क सड़क, शहर शहर ये नए नए असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। कानून और व्यवस्था पर कुंडली जमा कर बैठ गए हैं ये दादा लोग। हाथ में हथियार थामकर आवाम पर हावी हो रहे हैं। देवा तेरी तलाश में आया है, तू खिसक ले। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जंग आप लोगों को खुद लड़नी होगी। से पहले कुछ सोचना चाहिए। जानती नहीं वो कौन है?
मुझसे ज्यादा इसे और कौन जान सकता है। ये मेरे पति का कातिल है। कैसे आना हुआ? तुम्हें वार्न करने। तुम अपने जुर्मों का साम्राज्य बंद कर दो, वरना जिन रास्तों पर तुम्हारा साम्राज्य चलता है उन्हें वीरान कर दूंगा मैं। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। तुम्हारा भी नया नया ट्रांसफर हुआ है, इस शहर के रस्म और रिवाज से तुम वाकिफ नहीं हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी ट्रांसफर हुई नहीं, मैंने खुद करवाई है। और तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि मैं अपने साथ तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट लेकर आया नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जग्गा का कत्ल तुमने ही किया है। तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों? इसलिए कि तुम जैसे मुजरिम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ पुलिस की गवाही अदालत मंजूर नहीं करती, और लोगों ने तुम्हारे खौफ से अपनी जबानों पर ताले लगा रखे हैं। आपकी मजबूरी पर वाकई अफसोस हो रहा है कमिश्नर। कारतूस तो है आपके पास मगर पिस्तौल नहीं। मेरे फर्ज में इतना फौलाद है देवा कि उसमें पिस्तौल भी बन जाएगी और हथकड़ी भी। आज से मैं तुम्हारे जुन की हुकूमत पर आसमान की तरह मंडलाता रहूंगा। देवा नाम की आग के आसपास की राख बटोर कर कानून के बर्तन को साफ करने की कोशिश करोगे तो बर्तन के साथ साथ उंगलियों में छेद हो जाएगा। कमिश्नर, जो फर्ज में अपने बाजुओं को कुर्बान करने का बहाना ढूंढते हैं उन्हें उंगलियों में छेद होने की कोई परवाह नहीं होती। आई चैलेंज यू देवा, आज के बाद तुम एक कदम दुना करके दिखाओ तो मैं तुम्हारी इस गैर कानूनी हस्ती को जेल की सलाखों के पीछे फेंक कर दिखा दूंगा। कम से कम एक गुना तो और करूंगा कमिश्नर, तुम्हारे सारे हथकंडे बेअसर हो जाएंगे। लेकिन मेरे उस आखिरी गुना के बाद तुम्हें सबूतों और गवाहों के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन गुनेगार देवा खुद बनेगा और गवाह भी देवा ही बनेगा। जुर्म भी मेरा होगा और सजा भी मैं तय करूंगा। अपने गले में सुरी भी डालूंगा और जल्लाद भी मैं ही खुद बनूंगा। भुजंग, देवा की तबाही की तैयारियां शुरू करो। देवा की तबाही तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है नेताजी? अब बतख के बच्चे को भी तैरना सिखाऊं? अपनी कुर्सी की चारों टांगों के नीचे देवा की हुकूमत का कब्रस्तान बना दो। मैं इतना कमजोर नहीं हूं भुजंग जो सरकारी कुर्सी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाऊं। तो फिर देवा भी अटरिया पर बैठा कोई कबूतर नहीं है कि ऊंची आवाज में हुर्रे हुर्रे किया तो उड़ जाएगा। देवा गिद्ध है गिद्ध, जहां मौत मंडराती है ना वहीं आकर बैठता है।
भुजंग की जंग का तजुर्बा तो ये कहता है नेताजी कि खाना ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि देवा के किले में सुराख ढूंढकर वहीं से दीवार तोड़ना शुरू करो। देवा ने जब जगह का कत्ल सब्जी मंडी में किया तो सामने विजय की मां पड़ गई और उसने देवा पर यह इल्जाम लगाया कि वही उसके पति का कातिल है। देवा अगर विजय के बाप का कातिल है तो विजय के बारे में इतनी हमदर्दी क्यों जताता है? यही बात तो मेरी शैतानी खोपड़ी सोचने पर मजबूर हो गई है। कोई ना कोई जायज या नाजायज रिश्ता है इनके बीच। अगर रिश्ते का पता चल जाए तो उस रिश्ते की डोर से बड़े प्यार से खेला जा सकता है। प्रशांत मेरा आदर्श था। जब उसकी हत्या हुई तब मैं यहां नहीं था, वरना उस कातिल को कानून से ऐसी सजा दिलवाता कि अदालत भी थर्रा उठती। आपके कानून ने उस कातिल को कितनी सजा दी है? 14-15 साल की, जिसे भोग कर आज वो माफिया डॉन देवा बना है। लेकिन बहन जी, लोगों में चर्चा है कि देवा विजय को अपनी परछाई बनाता जा रहा है। देखिए, मैं विजय को लोगों से ज्यादा जानती हूँ। मैंने विजय को बचपन से दूध कम और देवा नाम का जहर ज्यादा पिलाया है। तो फिर देवा विजय के मामलात में दखल क्यों देता है? शायद प्रायश्चित कर रहा हूं। तो मिनिस्टर विजय के घर तक पहुंच गया है। जग्गा की मौत उसके गले से नहीं उतरी, इसलिए बस्ती के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नेताजी, आपकी ये सियासी चाले हमारे मोटे दिमाग में नहीं आती। आप तो ये बताओ कि आपने रिश्ते का पता चलाया या नहीं? दर्द का रिश्ता है। मेरी सियासी खोपड़ी कहती है कि विजय और उसकी मां के गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो देवा घुटनों के बल मेरे सामने आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? शतरंज की विसात भी बिछी हुई है और अपने पास मोहरे भी हैं। चलो चाल और दे दो मात, बना दो दोनों को कुर्बानी का बकरा। अरे खुश रहो खुश रहो भैया। वंदे मातरम वंदे मातरम। ये अंग्रेजी हवा में सांस लेना मेरी देसी नाक के लिए सजा हो गई भैया। 16 साल बाद वापस आना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैद से छूटकर आ रहा हूँ। वाकई बहुत लंबा हो गया तेरा बनवास, अब शहर की सड़कों पर राज करेगा राज। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आइए 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 आइए, पहले आप आओ बैठिए। ए रोड क्यों ब्लॉक किया? चल पीछे कर। गाड़ी बंद हो गया साहब। जाना प्रजापति है? नहीं भाई साहब, कौन है आप? याद आया? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आया। भंडारी याद है या वो भी भूल गए? भंडारी वो मुर्गी वाला ना। याद आया। हाँ, तुम उसी के आदमी देवेंद्र हो ना? बता, प्रशांत कापरे का खून तूने मुझसे क्यों करवाया था? खून
खून मैंने नहीं करवाया था, भगवान कसम मैंने नहीं करवाया था। तो फिर किसने करवाया था? भैया बोलो ना। वो तो भंडारी को मालूम होगा, उसी को पता था। तो ठीक है, फिर तुम्हें भंडारी के पास ही भेज देते हैं। ये क्या जोर जबरदस्ती है? दिन दहाड़े मेरे भाई को मारने की धमकी देते हो? हो गए तुम इस शहर के डॉन, मैं भी इस शहर का सियासी आदमी हूं, और मेरे सामने? नेताजी, तुम्हारी सियासी चाल की तरह मैं तिरछा नहीं, बिल्कुल सीधा चलता हूं। प्रजापति, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी, जीना चाहते हो तो आकर मुझे उस आदमी का नाम बता देना, वरना तुम्हारी इस बची खुची जिंदगी को 25वां घंटा देखना नसीब नहीं होगा। और तुम तो जानते ही हो कि देवा बदनाम है, जो कह दिया सो कर दिया। आपको वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? आते ही देवा ने जो रास्ता काटा, आसार बहुत बुरे हैं। यूं समझ लीजिए कि शहर का सबसे बड़ा खतरा आपके सर पे सवार है। जी हाँ, धमकियां दी जा रही है, दिन रात धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कुछ पुलिस मेरे घर पर तैनात कर दीजिए। थैंक यू। तूने अभी तक सामान नहीं खोला? हाँ, अगर यहाँ सामान खोलकर बैठ गया तो बोरिया बिस्तर दबाकर ऊपर जाना पड़ेगा। बात बात में तेरी पतलून क्यों गीली होती है? विदेश से क्या नामर्द होके आया है क्या? क्या क्या रोबदार आवाज निकल रही है यहाँ पर, क्या रोबदार आवाज निकल रही है। और वो जब देवा सामने आया था तो मुंह सिल गया था, बोलती बंद हो गई थी। देख, सियासी खेल में कभी कभी खामोशी भी खंजर की तरह इस्तेमाल की जाती है। घिग्गी बंद हो गई थी, घिग्गी साफ सूंघ गया था, और अब बहाने कर रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारे चक्कर में चुप बैठा रहा, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का जाकर घुटनों के बल देवा के दरबार में सब कुछ बता देता मैं। तो जा, घुटने बल जा और मेरा नाम बता दे जा। हाँ, वही तो मुश्किल है, नहीं बता सकता। अगर नाम बताता हूँ तो तुम्हारी मौत, नहीं बताता तो मेरी मौत। 24 घंटे का टाइम दिया उसने, 24 घंटे का। भाई भाई देखो, मुझे किसी सुरक्षित स्थान में छिपा दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता भाई, प्लीज प्लीज भाई भाई चुप। तेरा विदेश जाना ही ठीक होगा, अगर दोबारा देवा मिल गया ना तो तू मोमबत्ती की तरफ पिघल जाएगा। तू दिल्ली जा, एक दो दिन में मैं तेरा वीसा करवा देता हूँ, जा। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। योर अटेंशन प्लीज, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय IC 592 टू दिल्ली are requested to proceed to other security check. Thank you. आपका बोर्डिंग कार्ड। बोर्डिंग कार्ड? अच्छा, सामान चेक इन करा दिया है। थैंक यू। डैडी, डैडी, मैं और विजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे से। समझ गया बेटी। बाकी सब कुछ तुम्हारे डैडी की नजरें समझ गई। सारे कॉलेज में तुम्हें सिर्फ यही मिला था हमसे मिलवाने के लिए। बेटी, इस उम्र तक पहुंचने के लिए मुझे भी जवानी से गुजरना पड़ा था। अच्छा है। थैंक यू डैडी। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। मुझे हमें अपनी बेटी की पसंद पर नाज है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सुनिए, ये प्लेन कब उड़ेगा? बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? टाइम तो हो गया ना। रिलैक्स प्लीज। रिलैक्स? हाउ कैन आई रिलैक्स? यू डोंट नो हाउ कैन आई रिलैक्स? क्या? एक्सक्यूज मी, दैट्स माय सीट। सीट? यस सीट। ओह, आइए आइए ना। सॉरी, बेल। आइए, कम। थैंक यू, कम। गोली? वुड यू लाइक टू हैव सम चॉकलेट? नहीं जी। क्या जमाना आ गया, टॉफी को गोली बोलती है, डरा दिया। सर, इस प्लेन में बॉम्ब तो नहीं है? सॉरी। क्या बात है, बहुत घबराए हुए? जी नहीं, मैं ठीक है। पहली बार प्लेन में सफर कर रहे हैं? जी नहीं, आखिरी बार। सॉरी। कैबिन क्रूज, आर्म ऑल डोर्स प्लीज। Thank you.
station to take off, please. उड़ गया बेटा, 24 घंटे तो क्या, अब तू मेरे को 24 जन्म भी नहीं पकड़ सकता। क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हे, अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं। Who are you? कौन हो तुम लोग? Hands up! Ladies and gentlemen, हमें खेद है, हवाई जहाज में मामूली तकनीकी खराबी आ जाने के कारण हमें वापस बंबई हवाई अड्डे पर उतरना पड़ रहा है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी सुरक्षा पेटियां बांध लें। लेकिन यहाँ क्यों उतरना पड़ेगा? लेकिन यहाँ क्यों उतरना पड़ेगा साहब? रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। नो नो, आई कैन रिलैक्स, आई कैन रिलैक्स। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं मालूम हो गई। टेक्निकल प्रॉब्लम तो दिल्ली में भी दूर हो सकती है, दिल्ली में भी, यहाँ पर क्यों? टेक इट इजी मैन, टेक इट इजी। नो नो, टेक इट इजी।
इधर की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का रास्ता रोक सके? गीदड़ नहीं सांड, जंगली सांड। और जब जंगली सांड शेर के सामने आ जाता है तो शेर भी दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इस बार ये जंगली सांड तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। तुमने मेरे भाई के जितने टुकड़े किए हैं उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे शरीर के करूंगा। सांड की खाल पहन लेने से गीदड़ की जात नहीं बदलती परशुराम। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस राज को छिपाने के लिए तुम्हारे भाई की जान गई, अगर वो राज तुम्हें मालूम है तो बता देना। जानते हुए भी कहीं छिपा गए तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे भाई से भी भयानक होगा। हश्र तो तुम्हारा बुरा होगा देवा, जरा पीछे मुड़कर देखो। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। आइंदा जब शेर का शिकार करने निकलो तो आंखों से भाई की मौत के आंसू पोंछ कर निकलना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब शेर सामने आया, झपटा और तुम्हारा शिकार करके चला गया। ऑफिसर्स, मुझे माफिया डॉन देवा के खिलाफ दर्ज किया व्यवहार नए पुराने बड़े छोटे केस की फाइल चाहिए। सर, माफिया डॉन देवा के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई गुनाह किए बिना इस शहर का डॉन बन गए? सर, गुनाह तो उसने बेशक किए हैं। अब जैसे प्रजापति के कत्ल का केस दर्ज हुआ है, पर उसमें देवा का नाम हमारे रिपोर्ट में न दर्ज हुआ है, न किसी ने लिखाया है और न ही किसी ने बयान दिया है। यार, सर आपसे एसीबी पाटिल मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ऑफिसर्स, यू मे गो नाउ। ACP Patil from Traffic Department, sir. Thank you, sir. फरमाइए। सर, पहली बार आप जैसा ऑफिसर सीना ठोक कर देवा के खिलाफ खड़ा हुआ, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है सर। थैंक यू। लेकिन सर, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो सरकारी है, हमारी ये वर्दी भी सरकारी है, हाथ के ये हथियार और उसमें मौजूद कारतूस भी सरकारी है सर। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ सरकारी लोगों की तरफ, जो देवा से भी बड़े मुजरिम हैं और ऊंचे ऊंचे सरकारी औहदों पर विराजमान हैं। हकीकत जानने के लिए आपको देवा के पहले गुनाह की फाइल खोलनी पड़ेगी सर, लेकिन जरा सावधानी से,
वो फाइल ऐसा अलादीन का चिराग है जिसे छूते ही एक जिन निकल आता है, जो आपको अपनी वर्दी समेत उठाकर कहीं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेज देता है। Let me tell you something, Mr. Patel. सरकार को भी हमारा तजुर्बा बहुत पुराना है। सब जानते हैं कि मलिक का फर्ज ईमानदारी और सच्चाई का वजन इतना है कि किसी भी जिन के उठाए नहीं उठने वाला। फाइल तो मैं बेशक खोलूंगा ही, लेकिन कुछ सरकारी लोगों को अपनी इस वर्दी की आबरू का अदब सिखाकर। इंस्पेक्टर राणे, पता लगाओ कि आज से करीबन 18 साल पहले बॉम्बे पूना हाईवे पर एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। जी सर। जिसका मालिक भंडारी नाम का एक शख्स था। और कुछ महीने पहले उसका कत्ल हुआ। ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो कमिश्नर? 18 दिन हो गए मेरे भाई का कत्ल हुए और आप 18 साल पहले की फाइल खोज रहे हो। जिस शहर में जिंदा आदमी गवाही देने से इनकार करते हैं वहां मुर्दों के बयान से ही छानबीन करनी पड़ेगी। छानबीन? छानबीन की जरूरत क्या है जबकि आप खुद चश्मदीद गवाह हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अपनी गवाही के दम पर अगर मैं उसे गिरफ्तार कर भी लूं तो कल कातल छूट जाएगा, क्योंकि कोर्ट पुलिस वालों की गवाही मंजूर नहीं करती है। कोर्ट कचहरी बाद में देख लेंगे, पहले तुम मेरे भाई के कातिल देवा को गिरफ्तार करो। जिस यकीन से आप देवा को अपने भाई का कातिल ठहरा रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, उसी यकीन से आपने उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट? इसलिए? इसलिए? ये फाइलों का गोदाम बढ़ाने के लिए? पहले भी कई रिपोर्ट इन फाइलों में पड़ी सड़ रही है, क्या मेरे भाई का केस भी इन फाइलों में दफना देना चाहते हो? For your kind information, ये फाइलें सड़ नहीं रही हैं। ये फाइलें गुनहगारों की कहानियां हैं जिन्हें हम सुराग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं आप पर साबित करके रहूंगा इस फाइल से कि देवा के पहले गुना की डिटेल्स में यकीनन प्रजापति के कत्ल के पीछे कौन सा मकसद था। और शायद ये वजह भी हाथ लग जाए कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने में इतना कतरा क्यों रहे। कतरा तो आप रहे देवा को गिरफ्तार करने से, और गिरफ्तार कर भी कैसे सकते हैं क्योंकि आपका पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है, यहां तक कि आप भी देवा के ताश का एक पत्ता है। पत्ता? आई बेग योर पार्डन, ये सरासर झूठ है। ये सच है, आप देवा के खास आदमी है और उसी के रहमो करम पर आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। इट इज नथिंग बट ए नेकेड लाई, झूठ है ये। अच्छा, ये तो सच है ना कि आपकी बेटी विजय नाम के लड़के से प्यार करती है? यस, ये सच है। और उस विजय का देवा से जायज या नाजायज रिश्ता है? रिश्ता? इम्पॉसिबल। यकीन नहीं आता ना कमिश्नर, मेरे भाई के कातिल को छोड़िए, अपनी बेटी की मोहब्बत की छानबीन कीजिए। प्रिंसिपल साहब, विजय का देवर से जायज या नाजायज क्या रिश्ता है? रिश्ते तो सभी जायज होते हैं कमिश्नर साहब, नाजायज तो उन्हें हालात बना देते हैं। अपने इस फलसफे में आप खाम खा पाप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि विजय देवा की नाजायज औलाद है? आई बेग योर पार्डन, आप जैसे सभ्य आदमी के मुंह से ऐसी सभ्य बात सुनकर बहुत दुख हुआ कमिश्नर साहब। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विजय अपने बाप प्रशांत कापरे की जायज औलाद है, देवा
विजय का जायज मामा है। क्या अचानक आपको विजय में क्या बुराई नजर आ गई? आपको वो पसंद था ना डैडी? उसकी अच्छाइयां जब तुमने गिनवाई थी तो ये खासियत बताना भूल गई थी कि वो शहर के डॉन देवा का भांजा है। डैडी, डैडी विजय ने ये रिश्ता अपनी मर्जी से तो नहीं चुना, इसमें विजय का कोई दोष नहीं है। तो फिर इसमें कसूर तुम्हारा है कि तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस मलिक की बेटी हो, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये कमिश्नर यानी तुम्हारा बाप अपने फर्ज पे सब कुछ कुर्बान कर सकता है, यहां तक कि अपनी बेटी को भी। कहां जा रहे हो विजय? अंकल वो अनीता आज कॉलेज नहीं आई। अब वो कॉलेज जाएगी भी नहीं, और तुम भी उससे मिलने की कोशिश मत करना। मगर अंकल क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें देवा से मिलेगा। देवा का मेरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है अंकल। मामा है वो तुम्हारा। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया, वरना ये कमिश्नर को न्यायदान करके अपनी बेटी को तुम्हारी दुनिया में भेज देता तो देवा के हाथ कठपुतली बनकर रह जाता। निकल जाओ यहां से, आइंदा इस घर के आसपास भी नजर आए तो जिंदगी भर याद रखने लायक बेइज्जती कर दी जाएगी तुम्हारी। नाउ आउट। जो मानो तो
दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए, दिल की जो मानो तो जग रूठ जाए। तुम्हारी वर्दी का असर जब शहर और शहर की सड़कों पर ना चला तो आप अपना जोर घर के अंदर अपनी बेटी पर आजमाने लगे। हाँ, वर्दी का असर तो तुम्हें एक दिन बेशक देखना ही पड़ेगा देवा, लेकिन विजय जब तक तुम्हारे खानदान की औलाद कहलाएगा, अनिता का नाम उसके साथ नहीं छोड़ा जाएगा। विजय और अनिता जब तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदत कमिश्नर तो क्या, पूरे मुल्क की पुलिस फोर्स भी उन्हें जुदा करना चाहे तो देवा उन्हें जुदा होने नहीं देगा। इसे मेरी सलाह मानकर अपना फैसला बदल दो कमिश्नर। कहीं ये सलाह देवा की ललकार बन गई तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमिश्नर। How dare you say that to me? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। मेरे और अनीता के प्यार को जो भी भुगतना है हम भोग लेंगे, पर अपने गुनाह का रंग मिलाकर हमारे पाक प्यार को बदरंग मत कीजिए। आपकी हैवानियत मेरे बाप को तो निगल ही चुकी है, और मेरी माँ आपकी बहन होने का जुर्माना अपनी मौत तक देती रहेगी। खामोश! तेरी माँ ने मेरी बहन होने का जुर्माना दिया है ना, तो यह भी सुन कि उसके भाई ने अपने जिस्म को काटकर जिंदगी की किश्त कैसे भरी है। आज वो हकीकत उसके भाई से तुझे सुननी पड़ेगी। चल। बैठो। तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे हाथों जरूर हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारा बाप है। दीप्ति ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन जब वो प्रशांत कापरे से प्यार कर बैठी मुझे बताया तक नहीं। उस दिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था जिस दिन उसने मुझे बताया कि भैया हमारी शादी हो चुकी है। क्या कहा तूने? भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए, हम दोनों मजबूर थे भैया। प्रशांत की शादी उसके घर वाले कहीं और कर देना चाहते थे, तो
भगवान को साक्षी रखकर अपने मंदिर में शादी कर ली। तो क्या भगवान नीचे आकर इस बात की गवाही देंगे? किस किस को बताता फिरेगा तेरा ये गरीब भाई कि तेरी शादी हो चुकी है? जीते जी मार डाला तूने मुझे। भैया भैया मुझे मार डाली, मैंने आपके विश्वास का खून किया। प्यार के जज्बात में मैं ये भूल गई, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है। दुनिया वालों की नजरों में तू अभी तक कुमारी है, वो तेरी शादी तब तक नहीं मानेंगे जब तक तू अग्नि के साथ फेरे लेकर इस घर से नहीं विदा की जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। कल प्रशांत को घर बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। शादी तो हमारी हो चुकी है, बस बस्ती वालों के सामने फेरे ही लेने हैं ना। जब भैया कहेंगे तो फेरे भी ले लेंगे। मैं चाहती हूँ आप एक बार भैया से मिल लेते तो। मैं तो देविंदर भैया से मिल चुका हूँ। कब? यही है ना देविंदर भैया, बिल्कुल देवता स्वरूप है। अपने देवता स्वरूप भैया से कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फेरे भर का इंतजाम कर ले। क्या 5,000 रुपए? जी हाँ। अरे जबान पर लाने से पहले सोचा तो होता। सर जी अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी के लिए पैसा मांग रहा हूँ। मजबूरी? अरे अपनी किसी मजबूरी की वजह से मैंने आज तक तेरी मजदूरी एक दिन के लिए भी रोकी क्या? एक एक की मजबूरी देखूंगा तो सबकी मजदूरी कौन देगा? सर जी अगर ये पैसा नहीं मिला तो मेरी इकलौती बहन की शादी रुक जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सर जी तो ऐसा कर, कोई ऐसा सेठ ढूंढ ले जिसके यहाँ एडवांस का सिस्टम चलता हो, मुझे दूसरे ड्राइवर बहुत मिल जाएंगे। सर जी अरे प्रजापति जो चट्टान पे सर मार रहा है, फालतू पैसा देना सेठ की फितरत में नहीं है। नथू तू सेठ को बोल के देखना, तेरी बात मान लेगा। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मैं भरोसा करूं? 101% पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी, काम की जिम्मेदारी मेरी। काम से पहले पैसा मिल जाएगा। ठीक है तो आप फिर कुछ ठंडा गर्म हो जाए। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी, काम हो जाने के बाद। काम तो हो ही जाएगा। ओके भैया इतनी देर क्यों लगा दी? प्रशांत आए थे, काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, कल परसों आकर आपसे खुद मिलेंगे। कह रहे थे भैया से कहना ज्यादा परेशान ना हो, बस फेरों का इतना। बस्ती वालों को पता चल गया तो वो दीप्ति की जायज औलाद पर नाजायज औलाद की मोहर लगा देंगे, इसलिए समाज की नजरों के सामने फेरे लेना जरूरी है। बाद एक महीने तक इधर दिखाई मत दियो। अरे इसकी तो हवाएं उड़ रही भंडारी, ये काम कर पाएगा क्या? अरे अपनी गारंटी है यार। पक्का? हाँ। अच्छा वो दोनों का हिसाब बराबर है ना? हाँ उन दोनों को फिट कर दिया है। ठीक है मैं चलता हूँ। संभल के करियो, संभल के करियो भंडारी, काम हो जाने के बाद मेरे को फोन करियो यार। हाँ कर दूंगा कर दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ, संभल के करियो यार। ए रथू तस्वीर दिखा इसे, शक्ल अच्छी तरह से पहचान ले। बस
मजदूर भाइयों, आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो एक बात ध्यान से समझ लें, इस बार बार की स्ट्राइक से हमारे मजदूर नेताओं के कौन कौन से मंसूबे जुड़े हुए हैं। हम स्ट्राइक करते हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन हमारी स्ट्राइक नेताओं की आमदनी का जरिया बन गई है। स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वो मिल मालिकों से पैसा ऐंठते हैं अपनी अय्याशी के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिल हम मजदूरों की है दोस्तों। किसी भी स्ट्राइक में मिल के काम ठप होने का असर सीधा हम लोगों पर पड़ता है। अरे तो मिल मालिकों की भाषा बोल रहा है, अब बात का मतलब गलत ले रहे हैं दोस्त। मैं तुझे खूब समझ रहा हूँ, बता बता कितने में खरीदा है मिल मालिकों ने तुझे? भाइयों, मैंने इसे मिल मालिकों के साथ कई बार घूमते हुए देखा है। तू नेताजी के बारे में एक बिलास बोला तो मैं थोपड़ा तोड़ूंगा। क्या तू मेरा थोपड़ा तोड़ देगा? हाँ, मेरा थोपड़ा तोड़। अरे तोड़ मेरा थोपड़ा। भाइयों झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए झगड़ा मत कीजिए, ये हमारी मीटिंग को तोड़ने की साजिश है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बाबा चाहे भगदड़ मच गई है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। जा भाइयों भागो मत, जा हिम्मत कर, जा जा। भाइयों रुक जाओ, इनको इनकी साजिश में कामयाब मत होने दो। ये खतरनाक बम नहीं है, इनको अपनी साजिश में कामयाब मत होने दो भाइयों। साजिश में कामयाब हो गए तो हमें सारी उम्र पीछे रहेंगे, हम इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों रुक जाओ, रुक जाओ, इनके मकसद में कामयाब मत होने दो इन्हें। सारे मोहल्ले का मुंह काला कर दिया कलंकिनी ने, उल्टा है उल्टा, न जाने किसका पेट लेके घूम रही है बेशरम। देवेंद्र भैया आप, ये आपने क्या किया? मैं दीप्ति का स्वाग, तुम्हें जायज बनाने के लिए मुझे नाजायज बनना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती ने बहन की मांग में सिंदूर की जगह खून की लकीर खींच दी। मामा जी, जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब भाई? मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। अरे देख राजाराम, अरे हराम करो, इसे क्यों पकड़ा है? ये सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं है। तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। चल, चल, चल। मतलब समझ गया मास्टर। मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ रहे आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। तो उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है, फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया, मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। जा हेडमास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरफ बर्ताव मत कीजिए।
बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी इज्जत मंजूर है, मुझे तुम्हारी इज्जत मंजूर है, मंजूर है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा तुम्हारा काम, करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को। मिस्टर विजय, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? कमिश्नर मल्लिक की बेटी अनीता को किडनैप करने के जुर्म में, समझे? अनीता को किडनैप कर लिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बकवास तो तुम्हें थाने चलकर समझ में आएगी। मेरी शराबत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ ने ही तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी को किडनैप किया है। अगर विजय ने अपने इकबारे जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, आई प्रॉमिस यू, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, Deva. Don't dare challenge me. सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। Yes. मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुना कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आसमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जुर्रत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलना, क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कुक से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम बोल, कहां छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो।
कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर, इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनिता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनिता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहां से नहीं जा सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूं। पाटिल, मैं कहता हूं, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल, बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है, और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। सब पता चल जाएगा, चल। लानत है तेरे ऊपर मर्दूत। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्ची को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी मुझे क्षमा कर देना, इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया, अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन दो बच्चों को छोड़ दो। बदक के बच्चे को तैरना सिखा रही है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बराती हो नागेश और अनीता की शादी के, अभी तो एक और बहुत ही खास बराती आर्या होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे, बांधो लौंडे को। उलंग तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अखा खानदान कोयले के मागे जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतक के बच्चे को तैरना सिखा रिया है? कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा, अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा। दो दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी, और चार दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी। कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला, और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार, अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमेंट में पहले वाली से परेशान हूँ, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमेंट आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है, आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना वो बहुत उत्तम है। अबे ओ तम मदम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी इधर किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये पनौती लोगों का कुछ जमा किया हुआ है? पनौती ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ,
वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट अर्थी पे राम नाम सत्य कराने का क्या। अच्छा ठहरो मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ, जरा बाजू हटो तो। ओम श्रीम क्रीम रोम गेहूं चावल मूंग गेहूं, तेरे को मैंने किधर देखा है अभी तू चुप। मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तो यहाँ से निकलने का चक्कर करा मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा हट पनौती भूतनी प्रेतनी छुड़ेलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, मसला मत पूरी सुध बना। हट पनौती जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, भूस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना मेरा बेटा है। तू यहाँ छुपा बैठा है? तू यहाँ छुपा? इसके सर पे भूत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान ले, इसकी जान ले। मैं तुझे जानता, मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य आत्मानंदी होते हुए तू इसकी जान ले, क्या बोलता है? इसके बाप की भी जान लेगा। इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? तू है मैं। ये तेरी भी जान लेगा बोलता है? नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी। युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी। जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी अग्नि नीचे, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारे मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो, पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है? है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार सुना है। राम, अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रही है? ढूंढ डालो सारों को। यमराज आ गए, अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं परशुराम के बहकावे में आ गया था। परशुराम? हाँ परशुराम, वो तुम्हें कमिश्नर के जंगल में बसाना चाहता था। क्यों? उसे पता चल गया था कि तुम उसकी तलाश में हो। तुम्हारे बहनोई का कत्ल परशुराम ने ही करवाया था। नथु को तुम्हारे रिश्ते का पता चल गया था, उसने मंदिर में तुम्हारी बहन को प्रशांत कापरे के साथ देख लिया था। क्या सोच रही हो दीप्ति? सोच रही हूँ हमने शादी करके गलत किया। भैया बेचारे बहुत परेशान हैं, और जब से उन्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तब से और भी परेशान हो गए हैं। बस
जल्दी से जल्दी फेरे लगवाने के लिए पैसों के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। रिश्ता जानकर जब वो घबराया हुआ परशुराम के पास पहुंचा तो अनर्थ हो गया। सेठ जी क्या हो गया ना? तो देवेंद्र ने जिस आदमी को मारने की सुपारी ली है वही आदमी उसका होने वाला बहन हुई है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है। ये ले, पैसे ले, दारू पी और सो जा। नहीं सेठ जी, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। मैं देवेंद्र को रोकने जा रहा हूँ। सवाल बहुत पहले मैंने तुमसे किया था और कहा था अगर तुम्हारा जवाब सच है तो इस घर में रोशनी रहेगी, वरना ऐसा उजाला होगा कि घर समेत राख हो जाओगे। छोड़ दे मेरे बाप को, वरना इस छोकरी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चालाकी नहीं। देवा, ये खाली धमकी नहीं है। मेरे बाप को छोड़ दे वरना दूसरी गोली छोकरी की खोपड़ी के पार होगी। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ए कमिश्नर, कह दे अपनी खाकी टोली से कि बंदूकें फेंक दे वरना बेवरात हो जाएगा, बेवरात। सब अपने अपनी बंदूक के नीचे कर लो। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी की तो मैं गोली चला दूंगा। Come on, move, move, come on, Dad, follow me. शाबाश बेटे, जल्दी कर बेटे। चला कि नहीं? हथकड़ी खोल दो। यस सर। संभालो अपनी बेटी और हमारे खानदान की बहू। डैडी। अब मैं तुमसे किए हुए वादे को अंजाम देने जा रहा हूं। कौन सा वादा? अपना आखिरी गुनाह, नेता परशुराम की हत्या। नहीं देवा, नहीं। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और मुल्क की सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो। मैं परशुराम की हत्या तब भी कर गुजरूंगा। नेता परशुराम की हिफाजत करना मेरा फर्ज है देवा, और उसका खात्मा मेरा मकसद। बंगले के चारों तरफ पोजीशन ले लो। हमला किसी भी पैमाने का हो सकता है। कोई भी संदेहजनक या सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो या बेशक उसे गोली मार दो। ओके? ओके सर। ये क्या हो रहा है? आपकी हिफाजत का इंतजाम हो रहा है। मेरी हिफाजत? देवा को अपने आखिरी गुनाह की मंजिल मिल चुकी है और वो मंजिल आप है। आपको कत्ल करने के इरादे से वो निकल चुका है। तो फिर मेरी कल की मीटिंग का क्या होगा? मेरे चाहने वालों ने इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है जो आने वाले इलेक्शन में मेरे लिए निहायत जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो मीटिंग बर्खास्त कर दें, क्योंकि उस खुले मैदान में सिक्योरिटी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या आपकी है, मेरी नहीं। समाधान भी आप ढूंढो। मेरा कल मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। अगर मेरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हुई तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। हर एक की तलाशी लो, चाहे वो कोई भी हो। अंडरस्टैंड? ओके सर। डोंट स्पेयर एनीबॉडी एट ऑल। क्या है सर? नेताजी के सिक्योरिटी गार्ड आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कहो हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करें।
यस पटेल। नेताजी के घर से लेकर यहाँ तक के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। जनता कम, पुलिस ज्यादा नजर आ रही सर। गुड, वेरी गुड। सुनो, यस सर। तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और नेताजी को भी खबर कर दो कि वो आप बेखौफ अपनी मीटिंग में आ सकते हैं। ओके सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी में देवा तो क्या उसका साया तक भी यहां नहीं पहुंच सकता। ओके, ओवर एंड आउट सर। नेताजी इज ऑन द वे। तो आपको जरूर हुई होगी पुलिस का ऐसा तगड़ा बंदोबस्त देखकर, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मेरे जैसा समाज सेवा करने के लिए उठता है तो उसके खिलाफ अक्सर बंदूकें तन जाती है, सुलिया तैयार होने लगती है, मौत की धमकियां दी जाती है, बम स्पोर्ट में उन्हें मारने की कोशिश। हेलो हेलो हेलो, अरे ये क्या हो गया, माइक क्यों बंद हो गए? ए कमर, जल्दी से माइक चेक करो, जल्दी से। हरिया परशुराम, अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज गुम हुई है, थोड़ी देर में तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। सर, उसका साया तो नहीं आया पर उसकी आवाज जरूर आ गई। आई नो इट, लेकिन वो है कहां? इस वक्त तुम जिस क्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। इस वक्त मैदान में हर कदम पर मौत तुम्हारी राह देख रही है। नमूना देखना चाहते हो? बम तुम्हारे स्टेज के नीचे भी है। कमिश्नर, जल्दी से नीचे आओ। हरिया, we'll be right back.
कौन? परशुराम बम गाड़ी में भी मौजूद है। भागने से मौत का वक्त नहीं टलता परशुराम। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, उसे माफ कर दो जिसने नथु को मारकर इतना बड़ा अनर्थ करवाया। नहीं। भाई के हाथों बहन को विधवा बनाकर तमाम जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। नरक बना दिया तूने हमारी जिंदगी को, नरक बना दिया।
कमिश्नर साहब, आप हथकड़ी बाद में पहनाइए, लेकिन आज एक बहन बरसों बाद अपने भाई की कलाई में अपनी हथकड़ी तो पहना दे। आज तुमने फिर से भाई बहन के रिश्ते को जन्म देकर मुझे मुक्ति दे दी बहन। अब तो कमिश्नर साहब की कैद भी तोहफा लगेगा।